अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर। आज मौसम बहुत प्यारा था तो मैं सोचा कि आज बाहर बैठ के वीडियो बनाते हैं। जैसा कि मैं बताया था कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सेइकत्सु शिगोतो गाइड बुक के बारे में। आज से मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। इसके चैप्टर वाइज मैं आपको बताता जाऊँगा इसके बारे में। तो इसके कुल 12 चैप्टर हैं, तो 12 चैप्टर के बारे में मैं ऐसा ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले आज मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर 1 में जो है लिखा है, सबसे पहले आज मैं आपको ज़ायरियू कार्ड के बारे में बताऊँगा कि जापान में जो ज़ायरियू कार्ड, जिसे रेसिडेंस कार्ड कहते हैं, जो भी फॉरेनर जापान में आता है और 3 महीने से ज़्यादा स्टे करता है जापान में, उसको जापान में ज़ायरियू कार्ड दिया जाता है। और ये ज़ायरियू कार्ड के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। ये बहुत ज़रूरी कार्ड होता है। ज़ायरियू कार्ड के ऊपर नाम, आपकी नेशनलिटी और एड्रेस वगैरह लिखा होता है, और आपकी फ़ोटो भी होती है उसके ऊपर, और आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, और उस पर बाकायदा लिखा होता है कि आपका वीज़ा कब तक है, तो आप कब तक स्टे कर सकते हैं और क्या आप जापान में काम कर सकते हैं कि नहीं, उसकी परमिशन है कि नहीं, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन ज़ायरियू कार्ड के ऊपर लिखी होती है। जो 16 साल से ऊपर का बंदा होता है फॉरनर, उसको ये मस्ट हमेशा ये अपने पास रखना ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं पे शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, अगर आप फॉरनर हैं जापान में, तो आपको ये ज़ायरियू कार्ड मस्ट होता है कि आपने अपनी पॉकेट या अपने पर्स में आपने या वॉलेट में आपने रखना है ये। और अगर आपको पुलिस कहे कि हम मुझे दिखाओ, तो आप उसे इनकार नहीं कर सकते, आपने ज़ायरियू कार्ड मस्ट दिखाना होता है पुलिस को। तो ये यहाँ पे बाकायदा इस किताब के अंदर भी लिखा हुआ है। ये जो सा है, ये आपका आईडी कार्ड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जिसे मीबुन शो में शो कहते हैं। मीबुन शो में शो के तौर पे भी ये ज़ायरियू कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह आपने बैंक वगैरह में या फिर स्कूल्स वगैरह में कहीं पे आपको आईडी अपनी शो करने की ज़रूरत होती है, तो आमतौर पर ये फॉरनर इसे ज़ायरियू कार्ड को पेश करते हैं और उसकी कॉपी वगैरह पेश करते हैं। इसमें एक ज़ायरियू शिकाकु एक होता है, ज़ायरियू शिकाकु कि आप जापान में किस लिए आए हैं, ये बाकायदा इसके ऊपर लिखा होता है कि आप किस वीज़े के ऊपर, किस पर्पस के ऊपर आए हैं, इसके ऊपर ज़ायरियू कार्ड के ऊपर लिखा होता है। जो ज़ायरियू शिकाकु है, उसके अलावा आप जापान में, उसके पर्पस के अलावा जापान में आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसके अलावा काम नहीं कर सकते। एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, जो उस फील्ड के अलावा आप काम नहीं कर सकते। फिर ज़ायरियू किगेन लिखी होती है कि यानी जापान में आप कब तक स्टे कर सकते हैं, उसकी डेट ज़ायरियू कार्ड के ऊपर लिखी होती है। ज़ायरियू किगेन जो सी होती है, ये तो नॉर्मल बात है, अगर वीज़ा आपका ख़त्म हो जाए, जो डेट आपको दी हुई है ख़त्म हो जाए, तो आप उससे ज़्यादा जापान में स्टे नहीं कर सकते, तो ये भी बाकायदा ज़ायरियू कार्ड के ऊपर लिखा होता है। तो अगर आपका जापान में 3 महीने से ज़्यादा स्टे करने का इरादा है, तो आप नरिता एयरपोर्ट पे, हनेदा एयरपोर्ट पे, चुबे एयरपोर्ट पे, खांगसाई एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचेंगे, तो आपको वहीं पर ही ज़ायरियू कार्ड मिल जाता है। और आपने जो अपना एड्रेस होता है, वो 14 दिन के अंदर आपने नज़दीक वाले याकुशो यानी सिटी हॉल में जाके वहाँ पे आपने अपना एड्रेस जमा करवाना होता है कि मैं इस एड्रेस के ऊपर रहना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा जो मैं एयरपोर्ट बताएं, इन एयरपोर्ट के अलावा आप अगर किसी एयरपोर्ट के अंदर जापान में दाखिल होते हैं, तो आपने डायरेक्ट जाना है अपने सिटी हॉल में, और वहाँ पे 14 दिन के अंदर जाना मस्ट होता है। यानी 2 हफ्तों के अंदर आपने अपने सिटी हॉल में जाके वहाँ पे अपना घर का एड्रेस वगैरह बताना होता है और अपनी रिहाइश के बारे में बताना होता है। फिर अगर ये ज़ायरियू कार्ड जो आपको मिला है और आप इसको गुम कर जाए, यानी आपसे गुम हो गए, कहीं पे गिर गया, गुम हो गया, चोरी हो गया, जैसे ही आपको इसके बारे में पता चले कि गुम हो गया, उसके 14 दिन के अंदर जो आपकी इमिग्रेशन है, वहाँ पर आपने जाके नया ज़ायरियू कार्ड आपने लेना होता है। फिर अगर आपके पास ज़ायरियू कार्ड है और आप मुल्क से आप बाहर जाना चाहते हैं, जापान से यानी बाहर जाना चाहते हैं, और दोबारा वापस आएंगे 1 साल के अंदर, अगर आप 1 साल के अंदर जापान में वापस आएंगे, तो आपको जापान में री एंट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इमिग्रेशन में जाके साई न्यू कोकू क्योका लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जापान से जब आप जा रहे हों, तो आपके पास पासपोर्ट और ज़ायरियू कार्ड लाजमी हो। फिर अगर आप जापान में हैं, आपके पास वीज़ा है जापान का और आपके पास ज़ायरियू कार्ड है, तो अगर आपका बच्चा पैदा होता है यहाँ पे जापान में, तो उसको जापान की नेशनलिटी नहीं मिलेगी, चाहे वो जापान में पैदा हुआ हो। वो बच्चा अगर जापान में उसके 60 दिन से ज़्यादा स्टे करने का प्लान है उस बच्चे का, जो बच्चा जापान में पैदा हुआ है, तो आपको ये होता है कि आपने उस बच्चे का भी ज़ायरियू कार्ड लेना होता है। और 14 दिन के अंदर, जब वो बच्चा पैदा हो, उसके 14 दिन के अंदर आपने याकुशो में जाके
वहाँ पे शुसे थोदो के करना होता है कि ये बच्चा जापान में पैदा हुआ है, उसके बारे में आपने अपने सिटी हॉल को बताना होता है। शुसे थोदो के दे शुक्साई जिको शो में शो, वहाँ पे आपको मिलेगा और जूमी ह्यो न उत्सुशी और जूमी ह्यो किसाई जिको शो में शो, आपने वहाँ पे लेके ये चीज़ें आपने बच्चे के पैदाइश के 30 दिन के अंदर आपने ये पेपर लेके आपने इमिग्रेशन जाना होता है, और इमिग्रेशन में आपने चीज़ें लेके जाके जमा करानी होती हैं और बच्चे के बारे में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होती है। फिर अगर जापान में आप हैं, आप जापान से वापस जा रहे हैं, या फिर अल्लाह ना करे लेकिन रिश्तेदारों की किसी की वफ़ात हो गई जो जापान में था, जिसके पास ज़ायरू कार्ड था, तो वो ज़ायरू कार्ड आपने 14 दिन के अंदर आपने वापस करना होता है। जापान से अगर आप जा रहे हों और आपकी वापसी का कोई प्लान नहीं है, तो वो फिर भी आपने ज़ायरू कार्ड वापस करना होता है। फिर आगे जो सा है कुछ चेंजिंग के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप जापान में रहें और आपके पास ज़ायरू कार्ड है और उसके ऊपर आप कुछ अपनी चेंजिंग करवाना चाहते हैं, जिस तरह वीज़ा की चेंजिंग होती है, उस वीज़ा की चेंजिंग करवाने का तरीका, जो आपका वीज़ा है वर्किंग वीज़ा है उसको आप चेंज करवाना चाहते हैं उसका तरीका, आपका जो एड्रेस चेंज हो गया है उसका एड्रेस चेंज करने का तरीका, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इस किताब के ऊपर। तो इन ये चीज़ें तो वो हैं अगर आपकी चेंजिंग इसके अंदर आती है, तो चेंजिंग उनके लिए जानना ज़रूरी है जिनके पास पैसे ज़ायरू कार्ड हो। अगर कोई ऐसे चेंजिंग के बारे में कोई जानना चाहता है तो उसके लिए भी मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो मैं आज आपको बताया है वो ज़ायरू कार्ड के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता था कि ज़ायरू कार्ड जापान में कितनी ज़रूरी चीज़ है। आमतौर पर अगर फॉरनर जाते हैं शॉपिंग वगैरह पे या फिर कहीं पे रोड पे जा रहे हो, तो पुलिस फॉरनर को देख के कभी कभी स्टॉप कर देती है, कोई रीज़न नहीं होता, मुझे भी काफ़ी दफ़ा रोका है, और मैं सिर्फ एक साइकिल के ऊपर जा रहा हूँ तो पुलिस हमें रोक लेती है। हमारी जो शक्लें हैं वो उनके लिए यूज्ड टू नहीं है, जापानीज़ के लिए ये सीरियस बात है। जब वो हमें रोक लेते हैं तो वो हमसे सबसे पहले जो सवाल करते हैं वो कहते हैं कि आपका ज़ायरू कार्ड कहाँ है। तो ये ज़ायरू कार्ड अगर आप जापान में 3 महीने से ज़्यादा स्टे करते हैं तो ज़ायरू कार्ड आपके पास होना मस्ट होता है, और उस वक्त अगर ज़ायरू कार्ड आपके पास ना हो और ज़्यादा आपसे सवाल शुरू हो जाते हैं, आपको और मुश्किल में पड़ जाते हैं आप। तो ज़ायरू कार्ड अगर आप जापान में 3 महीने से ज़्यादा स्टे करने का आपका प्लान है तो इस ज़ायरू कार्ड के बारे में आपको जानना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं वीडियो बनाई है। इस किताब के आगे भी बहुत सारे चैप्टर हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको और इसके बारे में गाइड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही था, ये थी आज ज़ायरू कार्ड के बारे में जो मैं वीडियो बनाई है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।